सड़क के साइड में बेहोश पड़ा हुआ उसने। और भाई वो बिल्कुल ना से खून खून हो रखा सड़क में, पता नहीं इसको बंदों ने मारा है शायद। मेरे तो यार उन्होंने गाड़ी की आरसी रख ली, मेरा लाइसेंस ले लिया उन्होंने, मेरे पे फाइन डाल दिया, उल्टा मेरा फ़ोन भी उन्होंने ले लिया वहाँ पे। गलती मेरी बस इतनी सी थी गाइस कि मैंने ना किसी बंदे की हेल्प कर दी, बस किसी बंदे की जान बचा दी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो अब तो मैं क्या ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे रुकने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ओहो बाप रे, तो टोरल कैफे के लिए। बाकी ये देखो गाइस ऊपर सारा स्लाइड हुआ है ऊपर से। ओहो ये सेफ नहीं है भाई बिल्कुल भी, आप जो मर्जी खोल लो जितना मर्जी घूम लो गाड़ी में, लेकिन बाइक का मज़ा सिर्फ बाइक में है। ओह भाई नीचे को देखो वाला काफ़ी गहरी खाई है। ओ भाई खतर। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस काफ़ी टाइम बाद यार व्लॉग शूट कर रहा हूँ आज, बिकॉज यार बीच में एक सीन हो गया था थोड़ा पुलिस का। और बिकॉज यार इस व्लॉग में आपको बताऊँगा अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। भाई जो मेरा सीन हो वो सिर्फ गलती मेरी ये थी कि मैंने बंदे की हेल्प कर दी, बस दैट्स इट। और उस चक्कर में भाई बहुत बड़ा पंगा पड़ गया और व्लॉग भी यार मन नहीं था बनाने का तब से, तो थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही थी तो यार व्लॉग वगैरह मैं शूट नहीं कर रहा था। तो भाई अब वापस अपने चैनल पे काम करते हैं बैक टू बैक। और गाइस अभी मैं निकला हूँ एक राइड के लिए और इस राइड में आपको हर चीज़ मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा विद डिटेल में कि यार क्या क्या हुआ है अभी पीछे, ऐसे वही कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ यार, थोड़ा सा सर्कल ठीक नहीं था यार, तो भाई वो बात भी है। बाकी यार बाइक मैंने बंद रखी थी, उसमें फ्यूल भी नहीं है, ये भी फ्यूल करवा लूँगा फ्यूल। बाकी यार इसके इंडिकेटर वगैरह भी नहीं चल रहा लेफ्ट साइड का आगे का, वो भी चेक करवा लेंगे। बाकी वार्म अप थी कि मैंने दिन में इसको करते स्टार्ट करने कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी बाइक में। बाकी अभी बाइक ही नहीं कर रहा हूँ आज काफ़ी टाइम बाद, ठीक है। तो गाइस तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं मेरी बाइक को मैंने राइड नहीं किया 3 हफ्ते से, और देखो फ्यूल अभी भी खत्म है, तो पहले करवाते हैं फ्यूल भी। मंगलू था मंगलू चीन टपाक डम डम। ये कहां से आ गया? भाई खुले है पीछे, जाओ जाओ अंकल जी। थोड़ा संभल के चलना पड़ना भाई, पुलिस का बड़ा सीन आजकल। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एसपी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस आसपास खड़े थे लोग फाइल्स हाथ में पकड़ के, जैसे कोई चीज़ कोई कांड हुआ पड़ा हो यहाँ पे। चलो भाई क्या वेदर यार, सही है। ओह भाई थोड़ा संभल के जाना पड़ा, अगला फिर टायर हल्का सा स्लिप हुआ, हल्का सा पत्थर आया ना नीचे। आजकल सड़कों की हालत ख़राब है ना, बात हुआ रेत रूत पड़ी होती है हर जगह पे, रेत कीचड़ पानी। हाँ बट कोई बात नहीं, व्लॉगिंग रुकनी नहीं चाहिए।
बाकी गाइस व्यू चेक करो यार, एक नंबर। थोड़ा रास्ता मेरे को लग रहा है ख़राब आगे, बाकी देखते हैं ठीक क्या कर रहे हैं, ट्रक कैसे लगा रखा है। यहाँ पे रुकने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ओह बाप रे बाप, अरे यार ये देखो सर गाइस सामने आप, मिट्टी वाला पानी आ रहा है, मतलब कि स्लाइडिंग वगैरह हो सकती है यहाँ पे ऊपर। जब बारिश वगैरह हो ना तो उस टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। तो भाई ये रास्ता जाता है टोरल कैफ़े के लिए। बाकी ये देखो गाइस ऊपर सारा स्लाइड हुआ है ऊपर से। ओहो ये सेफ नहीं भाई बिल्कुल भी, काफ़ी ज़्यादा स्लाइडिंग हो गई यहाँ पे। तो ये देख लो गाइस ये पूरा निकल रहा है धीरे धीरे, पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है ये। और ये क्या है यहाँ पे शॉप भी छोटी सी, चाय वगैरह काफ़ी रुकने के लिए बना रखा बंदा ने भाई, टेंट वगैरह रखे। राइट सो आगे मोड़ है वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से मुड़ जाएंगे भाई वापस ठीक है। और बाकी यार ये जो जगह ये मेरे घर से नज़दीक है तो मैं यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ। लेकिन बाइक में घूमने का मज़ा कुछ और है यार, आप जो मर्ज़ी खोल लो जितना मर्ज़ी घूम लो गाड़ी में, लेकिन बाइक का मज़ा सिर्फ बाइक में ही है। बारिश भी शुरू होगी शायद यहाँ पे, लग रहा मेरे को बारिश पड़ रही है ऊपर से, इस एरिया में बारिश होती है आगे। ओ भाई झरने बने पड़े यहाँ पे तो सही है भाई। ओ भाई खतरनाक, खड़े होकर निकालने पड़ी बाइक भाई। RS में ऑफ रोडिंग इतना ठीक नहीं है बट भाई कर लेती है यार, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। अगर आपको ऑफ रोडिंग में अपनी चलाई हो ना बाइक तो आप निकाल सकते हो, ऐसी बात होती है। बाकी बाइक तो बंदे के चलाने पे डिपेंड करता है भाई। उस साइड पूरा मेरे को स्लाइडिंग दिख रही है यार, कैमरा में शायद दिखे बट बहुत ही ज़्यादा स्लाइडिंग हुई है यार, पूरा पहाड़ ही निकल के उस साइड तो। चल 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 भाई, क्या मज़ा आ रहा है यार, सुपर फ्रेश फील हो रहा है जब बारिश की बूंदें पड़ रही हैं यार सामने से, मज़ा आ रहा है काफ़ी। ओ भाई नीचे को देखो वाला, काफ़ी गहरी खाई है। ओ भाई खतरनाक यार, एक नंबर। तो भाई ये देख लो, ये चेक करो गाइस, बाइक भी बंद होगी यार। राइट तो ये चेक करो गाइस आप लोकेशन, वही सामने है टोरल कैफ़े और काफ़ी ग्रीनरी हो गई है पहले के मुकाबले। तो भाई बरसातों में ये तो होता ही है कि थोड़ा ना ग्रीनरी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। हाँ लेकिन अभी सर्दियाँ जब आएंगे तो वहाँ तक सामने आप पूरा बर्फ़ गिरती है। बाकी यार वो जो सामने गांव है ना यार, वहाँ वो भी काफ़ी रिस्की जगह पे है, गांव की घर है वहाँ पर बहुत सारे, वो भी रिस्की जगह पर पूरा एकदम, वहाँ पर स्लाइडिंग होती रहती है मैक्सिमम टाइम, आई थिंक हो भी। और तो ऐसा कुछ है भाई यहाँ पर सिस्टम। और बाकी गाइस अभी तो क्या बताऊँ मैं आपको यार, ठीक है भाई फ़ोन को मैं रख लेता हूँ अंदर पॉकेट में ना, वैसे बहुत नुकसान हो रहा है ठीक है। लास्ट टाइम गाइस मेरा जो चलान हुआ था वो ऐसा था कि भाई मैं गया था घूमने फ्रेंड्स के साथ गया था ठीक है, तो आपको पूरी स्टोरी में बता देता हूँ ठीक है कि आखिर हुआ क्या था। फ्रेंड के साथ गाइस गया था एक पार्टी पे, और पार्टी जो थी वो थी इंदू नाग में, वहाँ कैफ़े वहाँ पे कर रहे थे ठीक है। तो भाई सीन ये हुआ कि हम ना, मैं मेरे फ्रेंड्स साथ में बैठे हुए थे और मेरे एक फ्रेंड मेरे इस साइड बैठा हुआ था लेफ्ट साइड में, और हम वहाँ पे बातें कर रहे थे आपस में, और वो उतने में बाहर गया हम, मतलब रात का टाइम हो गया था, शाम को गए थे हम, तो फिर वापस आ रहे थे। तो मतलब
ग्यारह साढ़े ग्यारह का टाइम हो गया था। इंद्रनाग जो रोड है ना, वहाँ पे एक बंदा भाई सड़क के साइड में बेहोश पड़ा हुआ। उसने काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रिंक कर रखी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और भाई वो बिल्कुल ना से खून खून हो रखा सड़क में, पता नहीं इसको बंदों ने मारा है, शायद बंदों ने किसी ने लड़ाई झगड़ा किया हुआ उसको मार के साइड में फेंका हुआ था सड़क के, ठीक है। और मैंने देखा यार भाई उसको काफ़ी चोटें आई हुई थी सिर में, फेस में, लग रहा था उसको किसी ने मारा ही है, ठीक है। और बाकी वो तो मुझे पता नहीं, बट यार मैंने उसको फटाफट जो है देखा वहाँ सड़क में पूरा खून खून हो रखा था यार उस बंदे का, ठीक है। मैंने उसको फटाफट गाड़ी में डाला और गाड़ी में उसको मैं डाल के ले गया अपना एमरजेंसी हॉस्पिटल, ठीक है। बस भाई वही गलती कर दी मैंने, वहाँ पर फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने वहाँ पर मैं पूछा भाई ये कौन है कहाँ पे, मैंने बोला भाई मैं सड़क वैसे गया था फ्रेंड्स के साथ ऊपर, ठीक है, ऐसा वैसा, और बंदा है मुझे मिला वहाँ पे। फिर उन्होंने बंदे का फ़ोन लिया, बंदे के घर वालों को कॉल किया, ठीक है। वहाँ पे बहुत बड़ा सीन हो गया भाई, उन्होंने मेरा चलान कर दिया उस टाइम फालतू का ही यार, ठीक है, गाड़ी का पता नहीं किस चीज़ का से फालतू में चलान कर दिया, और बोलते कि अब आप कोर्ट में भुगत लेना, ठीक है। तो गाइस यार देखो ऐसा सीन भाई, मतलब कि मैं पुलिस को रिक्वेस्ट किया सर मैं तो किसी की हेल्प ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई उन बंदों ने उन्होंने ना मेरी ज़रा भी नहीं सुनी, पता है उन्होंने ये भी नहीं देखा कि यार बंदा ने दूर से बंदे को लेके आया बचाने, अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करता ना शायद वो आज बंदा इस टाइम नहीं होता, ठीक। तो बस भाई ऐसा कुछ है, मैंने मेरी सबसे बड़ी गलती यही होगी कि मैंने बंदे की हेल्प कर दी, बस दैट्स इट। इसी चक्कर में मेरा चलान कर दिया भाई पुलिस ने वैसा। तो भाई मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ में, अगर आप ना बाहर घूमने फिरने जाते हो ना भाई सड़क के साइड में आपको पड़ा मिल जाएगा बंदा, तो भाई मैं तो क्या ही बताऊँ, आपको हेल्प करनी चाहिए या नहीं, शायद बंदे इसीलिए हेल्प नहीं करते लोगों की औरों की, ऐसे बोलते हैं कि सड़क के साइड में पड़ा करो, फिर बंदे बोलते हैं कोई हेल्प नहीं करता, बिकॉज इसीलिए बंदे हेल्प नहीं करते क्योंकि भाई उनको पता है अगर वो हेल्प करेंगे उसको बंदे को लगी है उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो पुलिस वाले उनके ऊपर उल्टा एक्शन ले लेंगे, ये आपको कहाँ मिला ऐसा वैसा, आपके ऊपर ही उल्टा कार्रवाई कर देंगे। इस चक्कर से बचने के लिए शायद लोग जो है हेल्प नहीं करते लोगों की, ये बात भाई मेरे को प्रैक्टिकली यार प्रूफ हो गया मेरे को। मेरे तो यार उन्होंने गाड़ी की आरसी रख ली, मेरा लाइसेंस ले लिया उन्होंने, ठीक है, मेरे पे फाइन डाल दिया उल्टा, मेरा फ़ोन भी उन्होंने ले लिया वहाँ पे। इंशाल्लाह पुलिस काफ़ी अच्छी है यार, बहुत बढ़िया लोग हैं, काफ़ी जितने जो ऑफिसर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे जो थे उनका नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है काफ़ी अपना बिहेवियर स्ट्रिक्टली रखा। और यार ये सारा का सारा सीन, ये बाकी तो क्या यार, अब मैं कर रहा हूँ वापस बैक टू बैक अपने चैनल में, टेंशन मत लो यार, ठीक है, आपका भाई हार नहीं मानता, ठीक है। और छोटी मोटी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं यार, टेंशन नहीं लेनी, इतना नहीं सोचना, ठीक है। बस ये कि जो बंदे आपके साथ है ना बस उनके साथ दो यार, ठीक है, बाकी तो क्या यार, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, पता नहीं होता कब क्या हो जाए, ठीक है। तो भाई अपना लाइफ इंजॉय करो, घूमो फिरो अच्छे से, ठीक है, लेकिन ब्रो थोड़ा सा समझ के ही हेल्प करना, मतलब मैं तो क्या ही बताऊँ, पता नहीं इन फ्यूचर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँगा या नहीं, ऐसा ही अगर मैं कहीं निकलता हूँ तो ये थोड़ा मेरे को रहेगा हमेशा कि यार मैं अवॉइड ही करने की कोशिश करूँगा अब कि यार नहीं भाई, क्योंकि फालतू के कचरों में कोई नहीं फंसना चाहता, उसका फिर पुलिस केस चलेगा, फिर वो आपको बुलाएंगे पुलिस स्टेशन। गलती मेरी बस इतनी सी थी गाइस कि मैंने ना किसी बंदे की हेल्प कर दी, बस किसी बंदे की जान बचा दी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो अब तो मैं क्या बोलूँ, बाकी यार मेरे फ्रेंड्स भी अभी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा मैंने डिस्कस किया, बताया मैंने दोस्तों को, तो उन्होंने भी यार काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को, उन्होंने भी ये बोला यार इसमें तो वही गलती उस बंदे की है जो कि वहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है। कि तो मुझे कुछ नहीं पता भाई उस चीज़ के बारे में, जितना मेरे को पता था मैंने आपसे शेयर कर दी हर चीज़। बाकी गाइस आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके बताओ मेरे को, जो मैंने किया वो सही किया या गलत किया। ऑलराइट गाइस, सो भाई अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, और गाइस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है भाई गाइस। फ्रेंड्स आप सपोर्ट करो मेरे को, ठीक है, आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस और कंटेंट मैं लाता रहूँगा अपने चैनल में, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, सो टेक केयर, बाय।